ये रसल मार्केट और ये बीफ मार्केट, इसके पास सब गार्बेज बहुत है। ये क्या हो गया है? ये पहले एक दूसरा आदमी कंट्रैक्ट कर ले गया था और फिर इसके बाद में एक दूसरा आदमी कोर्ट से आर्डर लेके वो आके सडनली बीच में आके उठाना चालू कर दिया। ये मालूम नहीं पड़ा वो बीच में ये दशहरे का ये सब था, वो गाड़ियों को पूजा करना बोल के वो नहीं आया था। अब वो आज से चालू है, इंशाल्लाह वो क्या दे देख के क्लिक कर। अभी मैं बताया शिवाजी नगर, सारा शिवाजी नगर कमर्शियल एरिया है, 10 मिनट को इधर कचरा आता है। इसके लिए एक शिफ्ट में काम नहीं चलेगा, दो शिफ्ट करना चाहिए रसल मार्केट की वजह। फर्स्ट शिफ्ट में इनका टाइम रहता है सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक क्लीन करने का। यहाँ पर शिवाजी नगर में क्या होता है, 10 बजे के बाद में कचरा लाके बाहर फेंकते हैं, मेन यही प्रॉब्लम है। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक मीटिंग भी रखे हैं, अभी एक इलेक्शन है आरआर नगर का, इलेक्शन होने के बाद में एक मीटिंग है हम लोगों की सारे वर्कर्सों को लेकर। एक गली में 50 घरों को 4 आदमी डाल इंचार्ज देकर, माइक्रो प्लान बोल के 50 घरों को 4 आदमी इंचार्ज डाल रहे हैं, जीरो गार्बेज करने के लिए शिवाजी नगर को बहुत कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब करके ही छोड़ेगा। कहाँ मिला कचरा नहीं फेंक सकते, घर आएगा कलेक्ट करने के लिए, घर पे जब कचरा वाला लेने आएगा उन्हीं को देना है, आसपास आप कहाँ चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। तो ये अगर नहीं जा रहा है तो पब्लिक और उनका एक मीटिंग करवा करके मैं इसको सेटराइट करूँगा, ये मेरा एजेंडा में। जितने भी मेरे पास शिकायतें आई हैं वहाँ पे पैसा सैंक्शन हुआ है, टेंडर हो रहा है, वहाँ पे पाइपलाइंस बदली जा रही हैं, आप देख रहे होंगे मकान रोड में बदली जा रही है, ये यहाँ पे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसके पास बदली जा रही है, तिमया रोड में बदली जा रही है, शिवाजी नगर में बदली जा रही है, और जितने जगह मेरे नज़र में लाएंगे लोग मैं उतना सब सही करवा के दूँ। क्योंकि BBMP जो है हर जगह अगर नहीं कलेक्ट करती तो हर दिन 4,500 टन गार्बेज कलेक्ट करके प्लांट्स को नहीं बेचते। शायद होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि पहले का जो कॉन्ट्रैक्टर काम ठीक नहीं कर रहा था, इसके लिए जो नया टेंडर किया है उसको बुलाए हैं और सारे व्हीकल्स को GPS लगा रहे हैं, और सारे व्हीकल अगर कोई डंप करता है तो उनको सीरियस फाइन होगा, ब्लैकलिस्ट करेंगे। कचरे का भी हम लोग फाइन कर रहे हैं, करीब 3 महीने में 5 करोड़ रुपए फाइन किया हम लोगों ने, टेंडर अपॉइंट नहीं किया, टेंडर से टेंडर में पार्टिसिपेट करके दिया है। तो अभी कलेक्ट करना है जो कचरा है, ये प्रॉब्लम है, हम लोग अभी चालू करें, नए टेंडर को दिया, क्लियर करेंगे। पॉइंट उठा दे लिए, मीडिया से भी हमें बोल रही, गवर्नमेंट से भी अपील कर रही है, BBMP कमिश्नर से भी अपील कर रही है हमें, COVID-19 को जो है मास्क नहीं डाले तो 250 फाइन डाल डाले, अब इससे कितने डालना, 250 डालना, 2.5 लाख डालना, जितने आजू बाजू वाले ही उनको सब पैसे देती हूँ ना, फैसिलिटी देती हूँ, क्या कहती बीमारी है तो मेरे दुकान के अंदर घुस को देखो, मच्छर से लेको चूहे से लेको झुंगुर तक घुस जाती, किसकी वजह, इसकी वजह से, एक तो कुत्ते मर के पड़े जाती, अब रात को 5 दिन का कचरा ये इतना है, 10 दिन छोड़े तो समझते ये रोड ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पॉइंट बना बोलो बेहतर है, कहीं कोई कमर्शियल एरिया पूरे दुकान फोड़ डालो कर को बोलो BBMP को, वो बेहतर रहता ना। BBMP वाले मार्क्स के वास्ते, टैक्स के वास्ते ये सब पैसा ले रही ना, क्या कर रही, लूट रही पब्लिक को, दूसरा क्या भी नहीं कर रही, पब्लिक को क्या भी एक फैसिलिटी कर को नहीं दे रही है? जब आदमी इतने कोरोना में मरे हैं, किसी को भी एक पैसा दिए नहीं दिए, कोरोना करके मार डाले। मैं चले गए इधर से गुजरा तो कुत्ते मर को पड़े थे इधर, सड़ी बस, लेडीज अगर लेडीज भी जाती तो बस बक्स से मास्क ऐसा पकड़ लेके जाते हो, इधर कोई पूछने वाला नहीं, जब ये क्लीन था तो अच्छा था, इधर शादी महल का गेट भी है, वो गेट के पास ऐसा कचरा डालने से पूरा खराब गंदगी फैल जाती, ये रोड फुट के 20 दिन हो गया, मेट्रो का काम चल रहा है ऊपर, 20 दिन से कोई आके पूछा नहीं, पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है, ऐसा ऐसी गंदगी का एरिया, आगे ऐसा मेरे साथ में आके देखो ऊपर टेक में पूरा रोड फुट गया का मामला है, और गलियों में जो छोटे छोटे रास्ते में जो घरों के पास है वहाँ भी बहुत कचरा है, कोई BBMP वाले जिम्मेदारी से कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मार्क्स के लिए लूट रहे हैं।